स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी का हलवा। के हलवे में लगने वाली सामग्री है, एक बाउल हम सूजी ले लेंगे और 6 इलायची ले लेंगे, 3 चाशनी में डालेंगे और 3 हलवे में डालेंगे, और एक बाउल हम चीनी ले लेंगे और आधी कटोरी हम देसी घी ले लेंगे। देसी घी ना हो तो डालडा भी ले सकते हैं। और हम ग्रेट किया हुआ नारियल ले लेंगे और काजू ले लेंगे, और हम लोग मगज ले लेंगे 2 चम्मच, और 10-12 हम लोग किशमिश ले लेंगे। पहले हम हलवे के लिए चाशनी बनाएंगे। चाशनी इसलिए बनाएंगे ताकि हलवा खिला खिला है, और उसमें हम 2 कप पानी डाल देंगे, 3 कुटी हुई इलायची डाल लेंगे और 1 बाउल चीनी डाल लेंगे, और इसको हम बैंड होने देंगे। अब इसको हम बंद करके एक साइड रख देंगे, कढ़ाई रखेंगे, उसमें हम देसी घी डाल देंगे। गर्म हो चुका है, अब 3 कुटी हुई इलायची हम इसमें डाल देंगे, सूजी भी पसीनाते हुए डाल देंगे। हमने सूजी को तब तक भूनना जब तक कि ब्राउन कलर नहीं हो जाता है। अब सूजी भून रही है, अभी इसका रंग चेंज हो रहा है धीरे धीरे, और रंग चेंज करेंगे घी भी छोड़ रहा है। अब इसमें घी छोड़ दिया है और रंग चेंज कर लिया है, ब्राउन कलर हो गया, यानी सूजी हमारी पक चुकी है, उसको खुशबू भी आने लग पड़ी है। अब इसमें धीरे धीरे जो हमने चाशनी बना के रखी है उसको डालेंगे। आंच तेज कर देनी है और सारे हमने किशमिश सब कुछ अभी हमने डाल देना है, मगज, काजू और ग्रेट की हुई करी हमने थोड़ी सी अभी डालनी है, थोड़ी हमने गार्निश करने के लिए 2 चम्मच घी भी डालेंगे। हलवा बनके तैयार है, और जाकर उसको गरम गरम सर्व करेंगे। खाने के लिए तैयार है।